अरे यार कल भी बोली कि मैं गाड़ी दे रही हूँ। कल आई हो? तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बातचीत हो रही है एक गाड़ी को लेकर। इनके भाई ने, इलविस यादव के भाई ने एक गाड़ी खरीदी थी टाटा की, जो कि कुछ प्रॉब्लम कर रही है। तो उन्होंने कंपनी को शिकायत की, फिर भी कंपनी ने कोई बात नहीं सुनी। तो अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे नई गाड़ी दीजिए या फिर मुझे उतने ही पैसे लौटा दीजिए। बाकी वीडियो आप खुद देख लीजिए। 18 तारीख को गाड़ी ली मैंने, 24 लाख की गाड़ी ली। लोन वोन उधार घर वाले से मांग मांग के पैसे जोड़ तोड़ गाड़ी ली मैंने। गाड़ी लेने के बाद 4 तारीख को सर्विस भी कराई मैंने 1000 किलोमीटर की। सर्विस होने के बाद हम ले गए लद्दाख। सोनमर्ग में पहली दिक्कत आई, इससे बुरा हाल तो CNG का हो जाता है, मतलब CNG चढ़ जाती है, वो गाड़ी चढ़ी हमारी सफारी, जिसका मतलब मैचो गाड़ी होती है, स्ट्रॉन्ग पावर गाड़ी होती है, तो मैच की ऐसी आदत होगी 10 लगे उसे ऊपर नहीं चढ़ी। कोई बात नहीं, ले में जाके गाड़ी बंद होगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई आधे घंटे। कोई बात नहीं, स्टार्ट होने के बाद हम आ गए पेट्रोल पे, फिर बंद हुई। कोई बात नहीं, सर चुके फिर वहाँ बंद हुई। मनाली बंद हुई, मनाली में 2.5 घंटे से इनको फोन करें कस्टमर केयर में। कस्टमर केयर वाले कह रहे हैं कि भैया 14,000-15,000 भेजोगे तो हम क्रेन में देंगे। इनका मंडी में शोरूम, मंडी शोरूम से इनको इंजीनियर नहीं आया। अगर मेरे साथ बीवी बच्चे होते रास्ते में, रात को कहीं पहाड़ पे गाड़ी बंद हो जाए, खराब हो जाए। मनाली में 2.5 घंटे से फोन करें सुबह 8 बजे से लेकर, रात को बंद हुई थी, हमने गाड़ी वहीं छोड़ दी। हमारी होटल बुकिंग थी, वो पैसा खराब हुआ। इमरजेंसी में नया होटल लेना पड़ा, उसका पैसा लगा। इनके पास इतना टाइम नहीं है कि ये कोई फोन उठा के ये कहते सर क्रेन आ रही है, इंजीनियर आ रहा है, टेक्नीशियन आ रहा है। इन्होंने सिर्फ सेल्स वाले फोन उठा के बोला कि मैं उसको ले रहा हूँ, मैं टेक्नीशियन को लाइन पे रहा हूँ। टेक्नीशियन वाला कह रहा है सर मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, मैं क्या खुद तो आ नहीं सकता, मेरे अकाउंटेबिलिटी जीरो, बिल्कुल जीरो। अब राहुल नहीं, इसने मेरे को दिया इंजीनियर का नंबर, बहुत ज्यादा हुआ परेशान, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हमें पूरे रास्ते 11 से लेकर रात को 3:30 तक गाड़ी चलाई, गाड़ी बंद नहीं है। टेक्निकल में हमें रिटर्न नहीं चाहिए, मेरे को भाई नई गाड़ी चाहिए या पैसा चाहिए, वरना भाई मैं तो टाटा की गाड़ी में आग लगा, मुझे नहीं चाहिए वो गाड़ी। मैं तेरे से ये कह रहा हूँ, आप हमें ऑथोराइज कर रहे हो, हमें ये अश्योरेंस दे रहे हो कि मंडे को क्या तो आप गाड़ी दोगे, वरना हमारा रिटर्न का चेक बनाओगे, हाँ या ना? मैं देखो जो भी होता है कि नई गाड़ी या पैसा, हाँ। जो मैं 4 दिन मांगे जैसे टाटा ने मांगा, ठीक है तो मैं अभी 4 दिन से क्या कर रहा हूँ, आपको अपनी ऑथराइज मेल आईडी से देना पड़ेगा की मंडे को आप ये काम करो, यस और नो, यस और नो दोगे आप, बिल्कुल ये दोगे। दूसरी बात, हाँ मैं देखो मेरी कोई मेल आईडी नहीं, मेरी पर्सनल मेल आईडी है ना मेरी कोई, अरे भाई तेरी मेल आईडी से नहीं किसी नहीं, मतलब वो मेरे को जैसे मेल मैं करवाऊंगा तो इनकी मेल आईडी राहुल@tatamotors.com वो मेरा नहीं पता सर, सेल्स तो ये जैसे मैडम होगा किसी भी होता है, ZX स्टार्टअप मैडम से बात नहीं करनी, किसी मैडम से बात नहीं करेंगे, सिंपल होगा ना भाई, एपी की आईडी से भाई को मेल करा दो, बात करा रहे हैं, बात तो करा, इतनी देर लगती है अगर मैंने दिक्कत आ रही है स्विच ऑफ कर रखा है, मतलब ईवीपी का सही है यार तो नहीं हमारी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अगर पूरे दिन में ये नहीं कि मैंने कोई करवाया, मैं पूरे दिन में फोन ना करता हूं, ये किसी फोन करे ना इसे ही बोल रहे हो नंबर दे दिया जब नोट इकट्ठे करने हो तो हमें आगे कर देता है, और जब बिल्कुल आने की बारी आती है जब तो चला जाता है। मैंने इनको ही बुलाया, तो मैंने किसी से नहीं बुलाया, किससे मीटिंग करवाई थी ईवीपी से, ईवीपी ने कहा दो दिन मांगे, डायरेक्ट आज कौन सा देना है, उसके बाद मैंने बोला जैसे फोन पे मैंने भाई बात की ऐसी की तैसी, सिंपल बात बता, मंडे को हमारा काम होगा, करवानी है एश्योरेंस देनी पड़ेगी, मेरी वर्ड से तो मानोगे नहीं, नहीं वर्ड से नहीं, मेल पे चाहिए हमें, ठीक है, वही तो, और मेल पे हमें ये चाहिए मंडे को इसका सोल्यूशन, 2-3 टर्म्स में होगा, क्या पैसे बल्कि हाथ नहीं लगाना गाड़ी में। मैंने ये बोला कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, पहली बात मेरे मुंह से आपने सुना कि आप हाथ नहीं लगाओ उस गाड़ी को, तो आपकी टाटा में कम्युनिकेशन रहेगा नहीं, मेरी किसी से बात नहीं है, मैम मेरी किसी से बात, कौन से प्रतीक है मेरे किसी नंबर ही नहीं है, मेरे पास किसी मेरी किसी से बात नहीं, मेरा कॉल रिकॉर्ड दिखा दो, मेरी किसी से बात नहीं, मैंने कहा कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, ये बोला है मैंने ये नहीं बोला कि मेरे को गाड़ी का हाथ मत लगाओ जब तक, मैंने बोला गाड़ी नहीं चाहिए मेरे को, नई गाड़ी दो या वो दो, तो ये तो कम्युनिकेशन गलत एरर मैसेज दे रहे हैं कि यार 4 दिन से मतलब वो गाड़ी पड़ी है मेरे लेके उसको पुरजे मुझे खोल लो, मुझे कोई मतलब नहीं, अपनी R&D करो भाई, गाड़ी दिक्कत नहीं, आप बताओ R&D करो अपनी, कैसे करो क्या करो, आप हमारे सामने बात कर लो, फिलहाल तो सर को लोनर कार फिलहाल जो सर हम आपको लग रहा है भाई के पास गाड़ी की कमी है क्या, नहीं 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 आपको लग रहा है क्या सर, लोनर लोनर कार नीचे है, एक काम करो ये वाली दे दो, ये वाली दे दो मैडम, हमें आपको ले लेना चाहिए, इनकी जेब में लगे, मालिक की जेब में गए ना, इस बार ये जोर कम लगा रहे हैं, जब तक मेरी गाड़ी नहीं है या पैसे मेरी गाड़ी डिलीवरी नहीं होगी, ये मैं आपको चेताता हूं, चाहे आप करो कोर्ट केस में इसके बारे में कर देता हूं, बाप बता मत, चाबी आपके पास, अब आप इसे क्या कह रहे हो, गंदे पैर रख के चले जा रहा, बता दो, ठीक है ये तो मैं
है कि मैं बीमे या पेंशन नहीं, मैं भाई आवाज नहीं आ रही सर, तेज बोलो आप क्या कह रहे हो ये बता दो, और मालिक से बात करो सर आप, ठीक है? उन्हीं से करो। कस्टमर सर्विस इतनी गंदी है, फोन किया रिकॉर्डिंग है ना सारी एक बंदे की, सर हम आज गाड़ी वो कर रहे हैं अरेंज कर रहे हैं, और अभी कह रही अरेंज नहीं तो मैं फोन नहीं किया मैंने, अरे मैं सरकारी दफ्तर बैठे हो गए नहीं, आपने रवैये देखा क्या कह रही है कि सर आपकी बहुत सुन लिया, मेरी बात सुनो, किसी और को फोन मत करा ना, ये जो आप ये जो गंदे गेम्स खेल रहे हो ना, किसी से बात नहीं करनी अब आप, अरे कोई मैडम का रहा हुआ है क्या, मैडम मैडम ठीक है, मैडम मैडम लगा रखी है तब से, बात सुनो मेरी, या तो आप मेल करके ये बोलोगे मंडे को गाड़ी मिलेगी जो गाड़ी हमने ली थी वो, अदरवाइज आप हमारा डीडी बनाओगे चेक भी नहीं चाहिए, ये मेल कर दो ठीक है। अभी दूसरी बात बस हो गया, आपकी तरफ से राहुल का ये मैडम का ये आपका एक फोन आया चार दिन में, एक फोन आया किसी का नहीं आया, गाड़ी आपके पास है, दिक्कत मुझे कम से कम यूँ तो कह सकते हो सर आज अरेंज नहीं हो रही कल अरेंज कर दूंगी, ये बोल सकते हो, इतने बोलने मोहतारी इसकी नहीं, इतने बोलने मोहतारी इसकी, और ऊपर से बहस करनी पड़ते कि अरे नहीं तो नहीं किया फोन मैंने, नहीं सही कह रही हो, नहीं सही कह रही हो, क्या यार नहीं, अगर मैं आपको दे रहा हूँ कि सर मैं कल गाड़ी दे रहा हूँ मैं, अब मैं कल गाड़ी ना दू, कम से कम फोन करके कहूंगा ना कि सर कल नहीं परसों करूंगा, कर सी कॉल तो हो सकती है, एक कर सी कॉल तो मेरे कह रही है कि मतलब वो नहीं है मेरे पास, मैंने किया मैंने फोन गाड़ी नहीं हुई इसके अलावा कोई तीसरी बात नहीं है, और ये भी मेल करो कि ऐसी बंदी का नहीं, वो ये जवाब देगी मेरे को कि मेरे पास गाड़ी अरेंज नहीं तो नहीं किया फोन, जब अश्योरेंस दी है मेरे को सुनो भी सारी, क्या बोला उन्होंने मेरे को कि सर आज शाम तक मैं आपको गाड़ी अरेंज करके दूंगी कहीं से भी ला के दूं मैं, परसों राहुल का है, राहुल ने परसों मेरे को कहा कि सर मैं मंडे को मैं गाड़ी में ला के देखूं, फोन से छोकर बैठ गया अपना, मैं पागल हूँ, आपके यहाँ से कोई कितने कितने कस्टमर खड़े हैं, कस्टमर जो गाड़ी लेके जाएंगे आप 2 रुपए छोड़ दोगे उसके कि मैं कल दे दूंगा, फिर अपनी बारे में तो रूल ये है कि पहले सब कुछ करो सर, अब आप करके ये बताओ करने सबसे फोन पे बात तसल्ली है ठीक है, चलो मेल करो सर, मेल करो भाई अपने भी पीछे करा दे, बैंकों को मिलता है फोन मिलता है, मैं आईएसबी को मैं कर देता हूँ सर, मालिक को कर देता हूँ, बैंकों को मैं कहाँ रुका हूँ भाई, हमें बताओ ठीक है, हम वहाँ से भेजते हैं, बात करा देंगे उनसे, हैं वीपी सर से बात होगी सर, फोन मिला उसे भाई, मंडे छोड़ो 10 दिन का टाइम दे दो मेरे को, 10 दिन में गाड़ी चेक दे रहा हूँ, लिख दो 10 दिन में, 20 दिन का टाइम दे दो गाड़ी चेक, 20 दिन दे दो, महीने का टाइम दे दो, मैं ये गाड़ी नहीं लेके जाऊंगा, सुन ले मेरी बात, अभी भी सुन ले, तो टाइम तू महीने का दे दे मेरे को, कहते भाई तू अगले 10 तारीख को आ जाइए अपने पैसे ले दिए गाड़ी लीजिए, बात खत्म, लिख के दे दे, मंडे छोड़ना मैं दे रहा हूँ 20 दिन 25 दे रहा हूँ, महीना दे रहा हूँ, तो फिर मंडे का की तू गा रहा है सामने, मंडे को मालिक आके मिलके आपको बहुत रेज करेंगे, तो की तू गा रहा मंडे का भाई, मंडे का सोल्यूशन क्या होगा, इट मीन्स आज आज आपके पास कोई भी टेंजिबल सोल्यूशन नहीं है, आप सुनो सुनो मेरी बात, आप ये कह रहे हो कि जो जहाँ पे हम आज खड़े हैं ना वही हम मंडे को खड़े हैं, ये अरे भाई और इस बात का क्या मतलब है यार, इस बात की मंडे कन्वर्सेशन फिर मंडे को शुरू होगी, सर हम गाड़ी में काम कर रहे हैं, हम आपकी टेक्निकल असिस्टेंस करेंगे, इंजीनियर लगे हुए हमारे, हमने टाटा को मेल कर दी है, यही बात मंडे को होगी, फिर सॉल्यूशन क्या निकला,
तो क्या हो, अरे ऐसी की तैसी सब झूठ बोल रहे हैं, कोई एवीपी कह रहे हैं? एवीपी नहीं है भाई, नहीं मैं, आप जो भी हो ठीक है, आप किसी रेजोल्यूशन पे हो, उस मैडम से तो ऊपर ही हो ना ठीक है, आप अपने मेल पे लिख के दे दो कि जी मंडे को मैं आपका सोल्यूशन कराऊंगा, क्या तो गाड़ी या चेक ठीक है। ये तो आपने बात कर ली होगी ना एवीपी से कि सर क्या तो गाड़ी लेंगे चेक लेंगे, उसमें उन्होंने क्या बोला? सर एक काम करो, हमें गाड़ी की चाबी दे दो, ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, एक फोन आया आपकी तरफ से, तीन में से एक फोन भी आया हो मेरे पास, मेरा फोन ये रहा। तो भाई आप क्या करते मेरे देखो, तो मैं गलत कर रहा हूँ, मेरी डिमांड गलत है क्या? आपको आपको सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन मिलेगा आपको, कितने दिन सुनो, लेकिन ना मैं ऑथराइज हूँ उसके लिए, लेकिन वीपी सर एमडी सर आएंगे तो आप धरना प्रदर्शन किस दिन करूँ मैं, उस दिन कर लेंगे। चलो छोड़, आप जिस दिन बताओगे उस दिन धरना मंडे को आ रहे हैं, उस दिन मेरे को पैसा गाड़ी मिल जाएगी मंडे तक हम डिलीवरी नहीं करने दे रहे, आप इसमें ओके हो, आप यहाँ भी हाथ खड़े कर दो कि ठीक है जी हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, कर दो ठीक है जी, मत करने दो डिलीवर, गाड़ी डिलीवर मत करो, वी आर ओके, मंडे तक वेट कर, कोई सेवा नहीं होगी इन भाइयों की, दो बेचारों को गर्मी हो रही है, घर रहो अपने दो चार दिन, कहो हां ऐसा कर लो, बोलो सर हां जैसा आप कराओगे वैसे करेंगे, हम तो जॉब कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सही है। ये कहां से सीखा है जो बात आपने मुझे बोली, ये जो अभी बोला इसके लिए स्पेशल कोर्स होता है? नहीं नहीं सर, जॉब कर रहे हैं हम तो, जॉब में काम करने के पैसे मिलते हैं, गाली वाली खाने के अलग से पैसे देते हैं? नहीं नहीं, बताओ चाहे यहाँ पियोन हो चाहे मालिक हो, गाली खाने के लिए नहीं आया बेचारा, चाहे तुम होते ये भाई।